हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो इजी। एंड नाउ आई हैव नेक्स्ट सीरीज विच इज सुपर सिंपलीफाइड बायोलॉजी एंड द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आएगा लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्लियर? देखिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि मीन्स डेथ जो है वो एक्सीडेंटल ना हो, डेथ जो है कोई डिजीज के कारण ना हो, सिर्फ बर्थ टू नेचुरल डेथ को ही क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन कहा जाएगा। क्लियर है? लाइफ स्पेन मे बी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड्स ईयर। ठीक है ना, लाइफ स्पेन जो है वो फ्यूचर वेरिएबल है। कुछ स्पीशीज का लाइफ स्पेन जो है फ्यू मिनट्स का होता है और कुछ का सेवरल थाउजेंड्स ईयर तक का होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देयर इज नो इंटरलिंकिंग ऑफ लाइफ स्पेन एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स लाइफ स्पेन जो होता है वो बॉडी वेट या बॉडी साइज या बॉडी कलर हाइट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। ये ऐसा फीचर है या ऐसा वेरिएबल फीचर है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज। ठीक है, इट मीन्स बॉडी साइज, बॉडी कलर, हाइट, वेट, इनके ऊपर लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? वी हैव सम एग्जाम्पल्स लाइक क्रो का लाइफ स्पेन जो है वो 15 ईयर का होता है और पैरट का लाइफ स्पेन जो होता है वो 140 इयर्स का होता है। देखिए, दोनों बर्ड्स हैं, फिर भी दोनों का लाइफ स्पेन जो है वो अलग अलग है। लाइक मैंगो ट्री का 100 टू 150 ईयर, ठीक है ना, और पीपल ट्री का जो होता है 2500 इयर्स तक का लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स लाइफ स्पेन जो होता है वो स्पीसीज पे डिपेंड करता है, न कि किसी बॉडी कलर, वेट, साइज वगैरह पे। ठीक है, नेक्स्ट, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनली, सो नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग का डेथ जो है वो सर्टेन है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया है ना, बैक्टीरिया हो गया है, तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। इनका पेरेंटल बॉडी जो होता है, इनका जो पेरेंटल बॉडी होता है किनका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वे क्या हो जाते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड किस में हो जाते हैं, डॉटर सेल में। ठीक है, तो इनका जो है डेथ नहीं होता है, ये इमोर्टल रहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स है जिनका आपको लाइफ स्पेन यहां दिया हुआ है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो होता है बच्चों, ये कॉलम 1-2 मैच के फॉर्म में आते हैं, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। एलिफेंट का कितना है, 75 ईयर है। डॉग का जो है 20-30 इयर्स है। बटरफ्लाई का 1-2 वीक है। क्रो का 15 ईयर, काउ 25 ईयर, पैरट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 50 ईयर, फ्रूट फ्लाई 30 ईयर, टॉर्टोइज 100-150 ईयर, रोज 5-7 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3-4 मंथ्स हो गया, बेनियन ट्री जो है 200 ईयर्स हो गया। तो ये इनका एक एग्जाम्पल है स्पीसीज और उनका लाइफ स्पेन का। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ लिविंग इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वी हैव 4 पार्ट्स। नंबर 1 जुवेनाइल स्टेज, नंबर 2 मैच्योरिटी स्टेज, नंबर 3 एजिंग एंड सेनेसेंस, एंड नंबर 4 डेथ। देखिए, जुवेनाइल क्या होता है, इट इज पीरियड ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एंड बिफोर इट मीट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इट मीन्स बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है वहां तक का। ठीक है ना, तो बर्थ से लेकर के और बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो टाइम है, इसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। इट मीन्स इस फेज के अंदर वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुआ है। क्लियर है? नंबर 2 है मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स इन दिस स्टेज, यानी जुवेनाइल फेज खत्म होते ही उस ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर सकता है। ठीक है, एजिंग एंड सेनेसेंस स्टेज क्या होता है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ बॉडी इन विच मेटाबॉलिज्म बिकम वीक, है ना, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। देखिए, एजिंग जो होता है, नॉर्मल एक ओल्डर एज आती है उसको हम एजिंग बोलते हैं, है ना, जब कोई भी नॉर्मली जो है ओल्डर एज में आता है तो उसको हम एजिंग बोलते हैं। लेकिन सेनेसेंस एज जो होता है वो नियर टू द डेथ होता है,
तो सेनेसेंस एज के बाद में डेथ आती है। जैसे ही सपोज कोई पर्सन बर्थ हुआ है, वो मैच्योर हो गया है, अब वो जब वो ओल्डर एज में आ रहा है तो उसको हम एजिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब नियर टू डेथ है तब क्या आएगा, तब सेनेसेंस आएगा। तो सेनेसेंस जो है इट इज नियर टू डेथ। डेथ में क्या होता है, सेनेसेंस लीड टू डेथ, ठीक है ना। सेनेसेंस के बाद क्या आएगा, डेथ आएगा। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिकम ब्लॉक्ड। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, सब सब कुछ रुक जाएगी क्योंकि पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, इट इज फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेन फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, क्योंकि इससे वो अपना एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। लाइफ कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप देखिए एक प्लांट के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर बनते हैं, ठीक है। तो मेन रोल है कि उस प्लांट का अपना एग्जिस्टेंस जो है वो अर्थ पर, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्व्स, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जैसे न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, दीज यंग वन ग्रो एंड मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे उसका बर्थ होगा, जुवेनाइल फेज आएगा, अगेन मैच्योरिटी फेज आएगा, तो वो अपना जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है अगेन कंटिन्यू करेगा। दिस इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, क्लियर है। इसमें एक कंप्लीट साइकिल आ गया है कॉल्ड इज बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का। अब क्या पर्पज है रिप्रोडक्शन का, वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। भाई देखिए आज ऑर्गेनिज्म का बर्थ क्यों हुआ है, क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस जो है लाइफ का, उसे मेंटेन करना है, इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होने का रीजन यह है कि वहां पर लाइफ को कंटिन्यू करना, ठीक है। नंबर टू, मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट एंड ओल्ड इंडिविजुअल। क्योंकि जैसे ही बर्थ होगा, यंग वन होगा, दोबारा जो है वो मैच्योरिटी अटेन करेगा, ओल्ड हो जाएगा, तो सभी का नंबर जो है मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल प्रोसेस है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर थ्री क्या है, इंट्रोड्यूस द वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर एसेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। तो इस तरह के वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट ब्रिंग्स वेरिएशन। अब वेरिएशंस क्या होते हैं, जब टू डिफरेंट कॉम्पोजिशन के मेल फीमेल गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज होते हैं, तो उससे ऑफस्प्रिंग में जो होता है नए टाइप का डीएनए जो है वो जनरेट होता है। तो वो नए टाइप का डीएनए जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस स्पीसीज को एडेप्ट होने के लिए हेल्प करेगा, तो उससे जो है एवोल्यूशन होगा। इट मीन्स उससे नई स्पीसीज बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्लियर है। नंबर फोर्थ क्या है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है उससे कंप्लीट लाइफ जो है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किसके कारण होता है, वो रिप्रोडक्शन के कारण ही होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन, डीएनए डुप्लीकेशन। देखिए जब सेल को डिवाइड होना है तो डिवीजन के लिए जो डीएनए का अमाउंट है उसको डबल किया जाता है, तो इस प्रोसेस के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ये मेन फीचर है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो जब सेल ने डिसाइड किया है डिवाइड होने का, ग्रोथ होने का, डिवीजन होने का, या कुछ भी न्यू सेल्स फॉर्मेशन का, तो उस केस में जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए, प्रोटीन, अदर बायोमोलिक्यूल्स, इनका नंबर भी इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि सेल ने डिसाइड किया है रिप्रोड्यूस होने का, सेल ने डिसाइड किया है डिवाइड होने का। इंक्रीज द नंबर थर्ड, इंक्रीज द सेल्यूलर काउंट ड्यू टू सेल डिविजन, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस सेल डिविजन होगा तो सेल का नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। नंबर फोर्थ, ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है ना, क्योंकि सेल ने डिसाइड किया डिवाइड होना, सेल ने डिसाइड किया ग्रोथ होना, तो इसमें जो भी इसके बेसिक मटेरियल्स हैं उनका नंबर डबल किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, उनको इंक्रीज किया जाएगा, जिससे सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगी। नंबर फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जो गैमिट्स होते हैं इनका फॉर्मेशन भी तो किया जाएगा, ठीक है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या नॉर्मल रिप्रोडक्शन होगा, तो उस केस में जो गैमिट्स हैं इनका फॉर्मेशन किया जाएगा। नंबर सिक्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल
फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो जो गैमिट्स बने हैं या ऐसी सेल्स बनी हैं जो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये भी इसका बेसिक फीचर है। नंबर 7, मेंटेन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। क्लियर, ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये मेन मोटो है रिप्रोडक्शन का, कि एग्जिस्टेंस रहे किसी स्पीसीज का, कंटिन्यूटी रहे किसी स्पीसीज की। क्लियर है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स पार्टिसिपेटिंग। इट इज ऑफ टू टाइप, सपोज वन है या टू है, उस बेस पर जो है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई सिंगल पेरेंट। अगर एक ही पेरेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसको बोलेंगे एसेक्सुअल, ठीक है ना। और विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, जब एक ही पेरेंट है तो इस प्रोसेस के अंदर गैमिट फॉर्मेशन एंड गैमिट फ्यूजन नहीं होता है, बिकॉज इट इज यूनिपेरेंटल, ये सिंगल पेरेंटल होता है, ठीक है, ये यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इसके अंदर ये बाई पेरेंटल है। कैसा है ये बाई पेरेंटल होता है, यहाँ पर दो पेरेंट एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कैसा हो गया है, ये यूनिपेरेंटल होता है, यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और जब बाई पेरेंटल है तो वहां पर गैमिट फॉर्मेशन एंड गैमिट फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो ये मेन फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो नेक्स्ट हेडिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज वी हैव डिस्कस्ड कि इट इज सिंगल पेरेंटल, है ना, ये एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। और सिंगल पेरेंट जो होता है इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक ही पेरेंट जो होता है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि ये जब सिंगल पेरेंटल है तो इसके अंदर किसी तरह का वेरिएशन नहीं आएगा। मैंने बताया था वेरिएशन क्या होता है बच्चों, वेरिएशन जो होता है जब टू डिफरेंट गैमेट्स आर फ्यूज टूगेदर, दो अलग अलग मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उस केस में वेरिएशन आता है। लेकिन यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इट मीन्स न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन जो है वो सिंगल पेरेंट से होगा, है ना। इस केस में यहाँ वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब नए टाइप के जीन्स जो है वो इंसर्ट नहीं होंगे। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट की ही कॉपी होंगे। क्लियर, दीज आइडेंटिकल कॉपीज आर कॉल्ड एज क्लोन, इनको क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, है ना, बिल्कुल उनसे, चाहे आप बोल दो जेनेटिकली या कह दो मॉर्फोलॉजिकली। क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली, मीन्स एक्सटर्नली, बाहर से दिखने में, और अंदर जो इनका जीन होता है डीएनए होता है बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसको हम क्लोन कहते हैं। क्लियर है। तो क्या डेफिनेशन है क्लोन की, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज क्लोन, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड है, जैसे प्रोटिस्टा हो गया है, मोनेरा हो गया है, या फिर सिंपल प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, है ना। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है या दूसरे हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये मिलता है, ठीक है। एक नोट है, इन मोनेरा एंड प्रोटिस्ट सेल डिविजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट मीन्स पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। देखिए जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो इनका ग्रोथ भी यही है ना, इनका ग्रोथ, इनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। लेकिन देखिए हमारे अंदर, यानी अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो वहां पर ग्रोथ एक अलग चीज है। हमारा जब बर्थ हुआ तब से लेके अभी तक हमारे अंदर क्या इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई, तो हमारी ग्रोथ अलग है, और हमारा रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग होता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट फीचर है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल
सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर ये वर्ड क्या है, सिमिलर है, सेम टाइप का होता है, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, इनका ग्रोथ भी यही है और इनका रिप्रोडक्शन भी यही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, इन एडवर्स कंडीशन ऑर्गेनिज्म शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो क्या मीनिंग है इसका, जैसे ही अगर एडवर्स कंडीशन है, मीनिंग हार्श कंडीशन है, इट मींस वाटर अवेलेबल नहीं है, ड्रॉट हो गया है, या फिर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है, स्ट्रगल है, इस केस में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेक्सुअल मेथड को प्रिफर करता है, क्योंकि इस तरह का मेथड जो होता है वो क्या लेकर आता है, वेरिएशन लेकर आता है। ठीक है ना, इट मींस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन, और जब वेरिएशन आएगा तो इस कारण जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एडवर्स एनवायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो एडवर्स एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे तो फंजाई और एल्गी जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने अंदर एडवर्स कंडीशन के अंदर सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि इस मेथड से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस जब आते हैं तो उस केस में ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर अपने आप को अडेप्ट कर पाता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में हम लोग जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो वेरियस मेथड्स है उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।